मैं जो कहने जा रहा हूं, और ये सिर्फ कर्नाटक का विषय नहीं है, मैं पूरे हिंदुस्तान को कहना चाहता हूं, बड़ी पीड़ा के साथ कहना चाहता हूं, बड़े दर्द के साथ कहना चाहता हूं, मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे एक एक कन्नड़िका को मेरी इस बात को बहुत गंभीरता से सुनना चाहिए, बहुत गंभीरता से सुनना चाहिए। इस चुनाव में आप कांग्रेस के शाही परिवार ने कल कर्नाटका में आकर के बोला है, उन्होंने कहा है कि कर्नाटका की सॉवरेनिटी की रक्षा करना चाहते हैं, कर्नाटका की सॉवरेनिटी यानी कि कर्नाटका की संप्रभुता। क्या आपको पता है कि इसका अर्थ क्या होता है? इतने सालों से पार्लियामेंट में बैठे हैं, भारत के संविधान का शपथ लिया है, और ये बात बोलते हैं। जब कोई देश, सुनिए दोस्तों, जब कोई देश आजाद हो जाता है तो उस देश को संप्रभु राष्ट्र कहते हैं। कांग्रेस जो कह रही है, इसका मतलब है कि कांग्रेस कर्नाटका को भारत से अलग मानती है। क्या आपको मंजूर है ये बात? आपको मंजूर है? ऐसा कहने वाली कांग्रेस को सजा करोगे या नहीं करोगे? भाइयों बहनों, इसका मतलब है कि कांग्रेस खुलकर कर्नाटका को भारत से अलग करने की वकालत कर रही है। टुकड़े टुकड़े गैंग की बीमारी कांग्रेस में इतनी ऊपर तक पहुंच जाएगी, मैंने कभी सोचा तक नहीं था। कांग्रेस भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले लाखों कन्नड़ा स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर रही है। कांग्रेस करोड़ों कन्नड़िका की देशभक्ति का अपमान कर रही है। भाइयों बहनों, ये कन्नड़ा वो धरती है जिस धरती पर राष्ट्र कवि कुवेंपू जी ने साफ साफ कहा रहा है, साफ साफ कहा है कि कर्नाटका भारत राष्ट्र का अभिन्न अंग है। जया भारत, जया भारत जननिया जननिया तनुजते, जया हे कर्नाटक माते। कर्नाटका हर कन्नड़िका के लिए एक मां है, मां, और इसे भारत माता की बेटी के रूप में वर्णित किया गया है।